उमरिया जिले के ग्राम पंचायत शाहपुर में सरपंच पद के लिए 11 सितंबर को संपन्न हुए मतदान की मतगणना रविवार को संपन्न। 27 साल के युवा कारेलाल बेगा 283 मतों से जीतकर सरपंच बने। गांव के विकास को बताए प्राथमिकता। जनपद पंचायत पाली अंतर्गत ग्राम पंचायत शाहपुर में पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सरपंच पद रिक्त होने पर उपचुनाव कराया गया था। 11 सितंबर को ग्राम पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ, जिसकी मतगणना रविवार को कराई गई। निर्वाचन अधिकारी तिलन सिंह मरावी की मौजूदगी में सुबह 8 बजे से मतगणना आरंभ कराई गई। ग्राम पंचायत शाहपुर में सरपंच पद के लिए 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े थे, जिसमें से गुड्डा बेगा को 42, कारेलाल बेगा को 529 और रानी बेगा को 246 और नोटा को 16 मत में। इस प्रकार 27 साल के युवा प्रत्याशी कारेलाल बेगा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रानी बेगा से 283 अधिक मत हासिल कर सरपंच पद के लिए निर्वाचित हुए। मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचित सरपंच को प्रमाण पत्र प्रदान किया। मतगणना के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद सिंह मरकाम, SDM TR नाग, जिला जनसंपर्क अधिकारी गजेंद्र द्विवेदी, मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा, CEO जनपद पंचायत सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद। ग्राम पंचायत पाली, जनपद पंचायत पाली अंतर्गत ग्राम पंचायत शाहपुर में चुनाव आज इसकी काउंटिंग हुई है। कर परिणाम आए हैं, कौन कौन प्रत्याशी थे और कौन इसमें विजय हासिल किया है, कितने मतों से विजय? देखिए, आज जनपद पंचायत पाली के ग्राम पंचायत शाहपुर में उप निर्वाचन सरपंच पद के लिए हुआ, जिसमें 3 कैंडिडेट खड़े थे, नोटा सहित 4, कुल 833 वहां पर पड़े थे, जिसमें गुड्डा बैगा 42 वोट प्राप्त किए हैं, श्री कारेलाल 529 वोट और श्रीमती रानी बैगा 246 वोट एवं नोटा 16 वोट प्राप्त हुए हैं। जो सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं, कारेलाल बैगा को 529 वोट प्राप्त हुए, जिन्हें विजय घोषित किया गया है एवं सरपंच पद के लिए उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया है। क्या नाम है आपका? कारेलाल बेगा। आज निर्वाचन के परिणाम आए हैं जी, आप सरपंच में निर्वाचित हुए हैं, सरपंच पद पर क्या कुछ कहना चाहते हैं जनता? मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि जनता जितने मेरे प्रति अपना सहयोग किए हैं, मैं उनके प्रति हमेशा आभारी रहूंगा और जितने भी शासन की योजनाएं लाभ गाँव में आएंगे, मैं उनके प्रति हमेशा खड़ा रहूंगा, साथ दूंगा और हर कामों के बारे में अच्छे से उनको बताऊंगा और उनसे अपना राय लूंगा और अच्छे से काम करेंगे सब लोग मिलके। मैं उनका धन्यवाद चाहता हूं जनतों का कि मेरे प्रति अपना पूरा आशीर्वाद के साथ सहयोग किए हैं। सभी लोगों को जनता से यही वो है कि अपना आशीर्वाद मेरे साथ बना के रखें। 529 मतों से। ग्राम पंचायत का नाम? ग्राम पंचायत का नाम सायपुर।